में आप लोगों का स्वागत है। इसके पिछले वीडियो में आपको अल्फाबेट के बारे में बताया गया था। आज हम आप लोगों को बताएंगे ए और एन का प्रयोग। ए और एन का प्रयोग देखिए, हम आज सीखेंगे ए और एन का प्रयोग। तो देखिए, ए मिस होता है, ए मिस होता है एक, एन मिस भी होता है एक, दोनों मिस होता है एक। तो यह समस्या पर जाएगी कब हम एक की अंग्रेजी ए लिखेंगे और कब हम एक की अंग्रेजी एन लिखेंगे। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले यहां देखिए, मैं लिख दिया एक सेब और यहां पर लिख दिया गया एक बिल्ली। एक बिल्ली यहां पर हम एक की अंग्रेजी छोड़ दे रहे हैं। सेब की अंग्रेजी एप्पल होती है, यहां पर भी हम एक की अंग्रेजी छोड़ देते हैं। यहां पर बिल्ली की अंग्रेजी, यहां पर कैट होती है। तो यहां पर भी एक की अंग्रेजी रखना है और यहां पर भी एक की अंग्रेजी रखना है। जबकि हम जानते हैं एमिस भी एक होता है और एनमिस भी एक होता है। तो यह समस्या आ जाएगी कि कब हम एक की अंग्रेजी ए लिखेंगे और कब एक की अंग्रेजी एन लिखेंगे। इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें इस शब्द को देखना होगा। इस शब्द का पहला अक्षर क्या है? ए। और इस शब्द का पहला अक्षर क्या है? सी। तो जो ए है वह वावेल में है कि कॉन्सोनेंट में है? तो वावेल में है। और जो सी है वह कॉन्सोनेंट में है। तो नियम यह होता है कि जिस शब्द का प्रथम अक्षर वावेल में होता है, चाहे ए हो, चाहे ई हो, चाहे आई हो, चाहे ओ हो, चाहे यू, तो उसके पहले हम एक की अंग्रेजी एन लिखते हैं। और जिस शब्द का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट में से होता है उसके पहले एक की अंग्रेजी ए लिखते हैं। तो जो एप्पल है, एप्पल का फर्स्ट लेटर जो है, प्रथम अक्षर जो है, वह किस में है? वावेल में है, यहां पे। इसलिए इसके पहले हम ए का प्रयोग करेंगे कि एन का। तो वावेल में होने के कारण आपको बताया गया, अगर प्रथम अक्षर ए ई आई ओ यू हो तो उसके पहले एन लगाएंगे, इसलिए यहां पर एन का प्रयोग करेंगे। और इस शब्द का पहला अक्षर सी है जो वावेल में नहीं है, कॉन्सोनेंट में है, यहां पे है। तो कॉन्सोनेंट में से जो पहला अक्षर आ जाएगा शुरू में, तो उसके सामने एक की अंग्रेजी ए लिखते हैं, इसीलिए यहां पर ए लिखेंगे। जैसे मैं, यहां पर देखिए इसका प्रथम वाला अक्षर क्या है? यम। तो यम किसमें है? कॉन्सोनेंट में है, तो किसका प्रयोग करेंगे? ए का, इसीलिए यहां पर ए का हो जाएगा। उसी तरह देखिए आउल, आउल में क्या होता है? उल्लू। तो आउल का प्रथम अक्षर क्या है? ओ। तो वो वावेल है कि कॉन्सोनेंट है? तो वावेल है। तो वावेल होने के कारण उसके पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। उसी तरह से हो गया इलिफेंट, ई एल ई पी एच ए एन टी। एलिफेंट का प्रथम अक्षर क्या है? ई। तो ई वावेल में है कि कॉन्सोनेंट में है? तो वावेल में है। तो वावेल में है तो वावेल के पहले किसका प्रयोग करते हैं? एन का, इसलिए यहां पर किसका प्रयोग करेंगे? एन का। उसी तरह से देखिए पेन, पी एन, इसका प्रथम अक्षर क्या है? पी। पी वावेल है कि कॉन्सोनेंट है? कॉन्सोनेंट है। इस कारण से कॉन्सोनेंट के पहले किसका प्रयोग करते हैं? ए का, इसीलिए यहां पर क्या हो जाएगा? ए। इसी तरह से आप लोग को करना है।
अब मुझे आशा है कि आप लोग को ए एंड का प्रयोग अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, इसलिए आप लोगों को कुछ होमवर्क के रूप में करने के लिए दिया जा रहा है और आप लोग इसे कर लीजिएगा। जैसे होमवर्क लिख लीजिए, ए और एन का प्रयोग करो, ए पी ई एफ एच ई एम है आर ए टी रैट ई डबल जी एफ यू एम वी आर ई डबल एल ए सी वाई सी एल ई एम ए एन जी ओ ओ एक्स आर ओ आर ए एन जी जी सी एच ए आई आर। इस तरीके से आप लोग इसको कर लीजिएगा और मैं यहाँ पर एक वर्ड मैंने भी दे दे रहा हूँ, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। टी एच आई एस दिस, दिस मीन्स होता है यह। टी एच ए टी दैट, दैट मीन्स होता है वह। इज, इज मीन्स होता है ए, ए मीन्स होता है ए। एन, एन मीन्स भी होता है ए। यह वर्ड मीनिंग याद कर लीजिएगा और ये होमवर्क कर लीजिएगा। अब अगली वीडियो में इसके आगे लाइक शेयर कमेंट व सब्सक्राइब अवश्य करें यदि यह वीडियो अच्छी लगे तो।